यूनान वो मिस्र वो रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। इकबाल का यह शेर जब भी सुनते हैं तो रोम के साम्राज्य की तस्वीरें खुद ब खुद आंखों के सामने तैरने लगती हैं। वैसे तो रोम एक महान साम्राज्य रहा, लेकिन इसके तमाम शासकों के क्रूरता के किस्से मन में गुस्सा भर देते हैं। गजब के थे इस साम्राज्य के शासक, जो अपने गुलामों को तब तक एक दूसरे से लड़वाते थे जब तक उन दोनों में से किसी एक की मौत न हो जाए। इतना ही नहीं, अपनी सभा या किसी महफिल में रोशनी भरने के लिए वह इंसानों तक को जिंदा जला देते थे। तो आइए जानते हैं रोमन साम्राज्य के एक ऐसे ही क्रूर सम्राट नीरो के बारे में, जिसके हाथ अपनी माँ, अपनी पत्नी और फिर खुद अपने प्राण लेते वक्त नहीं कांपे। नीरो रोम के प्रथम सम्राट अगस्टस का वंशज था, जो आगे चलकर रोम का सम्राट भी बना। नीरो की माता का नाम एग्रिप्पिना था। एग्रिप्पिना बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला थी। इसने बाद में अपने मामा सम्राट क्लाडियस प्रथम से शादी कर ली और अपने नए पति को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह नीरो को अपना दत्तक पुत्र मान ले। आखिरकार नीरो की मां क्लाडियस को मनाने में सफल रही और इस तरह नीरो राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। पर नीरो को शीघ्र ही सम्राट बनाने और गद्दी पर बैठाने के लिए एग्रिप्पिना इतनी उतावली थी कि उसने जहर दिलवाकर अपने पति क्लाडियस की हत्या करवा दी। इसके बाद नीरो को रोम का सम्राट के तख्त पर बैठा दिया गया। अपने शासन के शुरुआती दिनों में नीरो ने सत्ता की बागडोर बेहद सही तरीके से संभाली, लेकिन कुछ ही सालों में उसके दुर्गुण सामने आने लगे और उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने प्रतिद्वंदी और गद्दी के असली वारिस ब्रिटेनिकस को मौत के घाट उतार दिया, ताकि उसकी गद्दी सुरक्षित रह सके। नीरो की कार्यशैली को लेकर जब उसकी माँ ने किंतु परंतु कहना शुरू कर दिया, तो उसने तनिक भी देरी न करते हुए अपनी उस माँ की हत्या कर दी जिसने उसे सम्राट बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी, यहाँ तक कि उसकी माँ ने अपने पति तक को जहर दे दिया था। इसके कुछ वक्त बाद किसी मतभेद के चलते नीरो ने अपनी पत्नी ऑक्टेविया को मार दिया। उसकी क्रूरता का अंत यहाँ पर भी नहीं हुआ। आगे उसने अपनी दूसरी पत्नी को भी तोहफे में मौत दे दी। बाद में वह किसी लड़की के सौंदर्य में पागल सा हो गया और जब उसने विवाह करने से मना कर दिया तो उसको भी मौत के घाट उतार दिया। नीरो की बर्बरता से रोम के लोगों में डर बढ़ता जा रहा था। उसके अपने गुरु भी उससे खुश नहीं थे। अब चूंकि नीरो को सामने से मारना आसान नहीं था, इसलिए उसके गुरु ने एक षड्यंत्र रचा। वह इसमें सफल हो पाते इससे पहले नीरो ने उन्हें खत्म कर दिया। अपने गुरु के अलावा और भी कई नामी लोगों को नीरो ने मृत्युदंड दिया। वह किसी भी चीज़ को पाने के लिए इतना ज़्यादा जिद्दी था कि जिंदगी को ख़त्म करना उसका खेल बन गया था। अपनी पत्नियों की हत्या के बाद उसके जीवन में एक और स्त्री आई, जिसको पाने के लिए उसने उसके पति को मरवा डाला ताकि वह उसे अपनी पत्नी बना सके। पोप सेंट पीटर प्रभु यीशु से बहुत प्रभावित थे। वह अपने समय में ईसाई धर्म के बड़े पैरोकार माने जाते थे। ईसाइयों से नफरत करने वाला रोमन शासक नीरो एक बार पोप सिमोन पीटर से नाराज हो गया। उसके आदेश पर पोप को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, लेकिन वह किसी तरह भाग निकलने में सफल हुए। बाद में पीटर को पश्चाताप हुआ और वापस लौटकर उन्होंने सम्राट नीरो के सामने आत्मसमर्पण कर माफ़ी मांगी, लेकिन नीरो का दिल नहीं पसीजा। उसने पोप को फांसी पर लटकवा दिया। नीरो की जिंदगी में सबसे बड़ी क्रूरता 1964 में रोम में लगी रहस्यमय आग को माना जाता है। इसकी लपट में पूरा का पूरा रोम लगभग 6 दिनों तक जलता रहा और इस आग में तकरीबन सब कुछ जलकर राख हो गया था। यह भी कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो इस विनाश लीला को देख रहा था और सारंगी बजा रहा था। माना जाता है कि जब रोम जल रहा था तब लोगों का ध्यान बटाने के लिए नीरो ने अपने बाग में एक बड़ी पार्टी रखी थी। इसके लिए उसे रोशनी की ज़रूरत थी। चूंकि उस वक्त रोशनी का अभाव था,
इसलिए सवाल था कि उसका इंतज़ाम कहाँ से किया जाए, पर नीरो के पास इसका समाधान था। उसने रोम के कैदियों और गरीब लोगों को बाग के इर्द गिर्द इकट्ठा किया और उन्हें जिंदा जला दिया। इधर रोम के कैदी और गरीब लोग जिंदा जल रहे थे और उधर इसके प्रकाश में नीरो की शानदार पार्टी आगे बढ़ रही थी। हालांकि इस घटना के पुख्ता सबूत नहीं मिले जो नीरो को गुनहगार साबित कर सके। आग बुझ जाने के बाद नीरो ने नगर को दोबारा बसाने का कार्य आरंभ किया और अपने लिए स्वर्ण मंदिर नामक एक भव्य जगह बनवाई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लोग नीरो की शासन संबंधी बुराइयों और क्रूरताओं के कारण विद्रोह का मन बना चुके थे। इसी को भांपते हुए स्पेन के रोमन गवर्नर ने अपनी फौज के साथ रोम पर हमला बोल दिया। इसके परिणाम स्वरूप नीरो को अपने राज्य से भागना पड़ा। इसी बीच सीनेट ने उसे फांसी पर चढ़ा देने का निर्णय किया। नीरो को पकड़ा जाता इससे पहले ही उसने खुदकुशी कर ली। तो ये थे रोम के क्रूर सम्राट नीरो की ज़िंदगी से कुछ किस्से, जिन्हें याद करने भर से हमारे और आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय के लोगों की किस्मत अजीब ही रही होगी जिन्होंने नीरो जैसे क्रूर सम्राट के शासनकाल में जन्म लिया। आज रोम की तरह हमारा देश भी जल रहा है। कोरोना की महामारी से लाखों लोग मारे गए हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर लोग मर रहे हैं। रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी अपने चरम पर है। हॉस्पिटल में डॉक्टर किस तरह इलाज कर रहे हैं। लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं तो जिंदा वापस लौटने की उम्मीद कम है। श्मशान में अंतिम संस्कार की लाइन लगी है। सबको पता है ये सब जानबूझकर किया गया है। कोरोना इतना घातक नहीं जितने ये लोग हैं। इतिहास हमेशा याद रखेगा कि जब देश में महामारी फैली थी लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, इंसानियत दम तोड़ रही थी, तब हमारे देश के नेता रैली कर रहे थे, हजारों करोड़ रुपए की संसद बनवा रहे थे, अपने लिए हवाई जहाज और निवास बनवा रहे थे, यहाँ तक कि दुनिया भर से भेजी गई मदद जैसे ऑक्सीजन, दवाइयाँ, वेंटिलेटर, ये सब एक हफ्ते से ज़्यादा दिन तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रुका रहा। ये सब जानबूझकर किया गया ताकि तबाही ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसी नीरो की तरह आज देश में श्मशान की जलती चिताओं की रोशनी में हमारे देश का नीरो इन सब बातों से बेखबर अपनी छवि चमकाने में लगा है। देश अंधकार में झोंक दिया गया है, लेकिन सच तो यह है कि अंधेरा कितना ही गहरा क्यों न हो, सूरज की एक किरण उसके लिए काफ़ी होती है। जिस तरह से हर रात के बाद सुबह को आना ही होता है, और वैसे ही हर नीरो को उसके किए की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।